हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मैरिज डिसाइड करेंगे और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस टॉपिक में जो जो क्वेश्चन रहेंगे या जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जो टॉपिक्स आज इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक दोस्तों रहेगा कि बीटेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस सेक्शन में किस चीज को लेकर डर रहे हैं, और आईटीआई वालों को किस सेक्शन में थोड़ा सा कमजोर रहते हैं और किसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। दूसरा कि इसका मेरिट लिस्ट में कितना ज्यादा प्रभाव है। तीसरा, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकली और सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आएगा। चौथा रहेगा कि सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़े। और लास्ट जो रहेगा वो है हमारा बुक्स, हमने कौन सी ली थी और आप कौन सी लें, और ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं इसी चीज़ को लेके कि सर तैयारी कैसे की जाए और कैसे कहाँ से करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसमें बीटेक वालों को डर लगता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, क्योंकि बीटेक में एक थोड़ा सा पोर्शन आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कि बहुत ही बेसिक सा रहता है, और आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत वास्ट सिलेबस आता है और उनको अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है। इसलिए उनका जो आईटीआई वालों का जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेक्शन है ये मजबूत रहता है। उनको ब्रीफली पढ़ाया जाता है कि किस किस तरह से आपको कवर करना है, और ये उनका मजबूत सेक्शन रहता है। पर आईटीआई वालों को इस टॉपिक में जहाँ पे डर लगता है दोस्तों, वो है न्यूमेरिकल पोर्शन, जो कि ज्यादातर इस टॉपिक में आते हैं। जितने भी टॉपिक हैं सभी में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है, दो तीन टॉपिक को छोड़कर। तो पढ़ाया उनको भी जाता है आईटीआई में, पर वो उस समय ध्यान नहीं दे पाते हैं या उनको समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका बेस केवल 10th रहता है या प्लस टू रहता है। तो उस सेक्शन पे आपको काम करने की जरूरत है, और बीटेक वालों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। बीटेक वाले को हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों भी बीटेक से ही थे और हमारा ये सेक्शन बहुत ही कमजोर था, और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ा था आईटीआई के कंपैरिजन में। हमने भी आईटीआई वाले बच्चों से थोड़ा थोड़ा पूछा था कि भाई कैसे कैसे इसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करें हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो इनके अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में है प्रोजेक्शन हो गया, व्यूज हो गया, और ड्राइंग हो गया, लाइंस हो गया, ज्योमेट्रिक फिगर हो गया, सिंबॉलिक फिगर हो गया। और जो बेसिक साइंस का पोर्शन है उसमें अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, मास एंड वेट, डेंसिटी, वर्क एंड पावर, तो मोस्टली उसमें साइंस के बारे में पूछा जाता है और उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है। अब हम एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेक्शन होता है जिसमें प्रोजेक्शन वगैरह, व्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, और जो जो आपके इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही, उनका जो ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है ड्राइंग के लिए, कौन सी पेंसिल होती है, 1H, 2H, HB, 9H, बहुत सारी होती है। दूसरा है कि उसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने कंपास का यूज किया, प्रकार का यूज किया, तो वो किस चीज के वो बनाने में इस्तेमाल होता है। वो थोड़ा सा बेसिक सा ही पूछा जाता है, पर उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। व्यूज में आते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, रियर व्यू, ये देखना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप अपने किसी भी चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। एक वीडियो में हमने बताया भी था कि हमने जिससे तैयारी की थी वो था दोस्तों यूट्यूब चैनल अल्टीमेट क्लासेस, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हरियाणा के वो टीचर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और भी टीचर होंगे पर हमें ज़्यादा पता नहीं था, हमने उनसे ही कर लिया था और हमारा सिलेबस कम्प्लीटली वहाँ से सॉल्व हो गया था। अगला जो टॉपिक आता है, और बुक्स की बात करें तो दोस्तों आप किसी भी आईटीआई वाले बच्चे की बुक्स उठा सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, और उसमें आप पूरा अगर एक बार थोरोली 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो आपके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। और फिर आप क्वेश्चन लगाने के लिए बुक आती है रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए पावर की यूनिट क्या रहेगी, एनर्जी की यूनिट क्या रहती है, और उसकी SI यूनिट क्या होती है, जैसे MLT स्क्वायर किसका होता है, स्पीड की क्या होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है। तो इनको आप पढ़ लीजिए और एक दो वीडियो हम भी बना देंगे कि आपको इसमें दिक्कत ना आए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों वर्क, पावर एंड एनर्जी।
तो इसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस पे ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको वर्क दे देगा, एनर्जी दे देगा, तो आपको पावर निकालना आना चाहिए, और जैसे हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो हाँ, वही क्वेश्चन इसमें ऐसे आ दे। जाएगा कि दोस्तों किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। तो आपको बेसिकली क्या है कि इनके फॉर्मूलेज पता होंगे तो आप इनके ऊपर न्यूमेरिकल निकाल पाएंगे। और ज्यादातर ये जो टॉपिक हम पहले बता रहे हैं इनमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है। कुछ मैं न्यूमेरिकल्स जो पीछे प्रीवियस आए हुए हैं उनको आपको दिखा भी दूंगा, और अगली वीडियो में हम जो लाएंगे उसमें हम कुछ हर टॉपिक के साथ में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके दिखाएंगे कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वो वो दोस्तों है दो मास वेट एंड डेंसिटी। मास और वेट में दोस्तों आपको फर्क बहुत ही मिनिमम सा है, इसका पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से है कि एक दो क्वेश्चन हमारे भी आए थे कि बताइए कि अगर आपकी अर्थ के ऊपर 150 न्यूटन आपका वेट है तो उसके चांद के ऊपर कितना होगा। तो वो होता है 1/6, 150 का 1/6 कर देंगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा। और अगर यही कह दें कि दोस्तों अगर मास है 150 kg अर्थ के ऊपर तो वो मून पर कितना होगा, तो दोस्तों मास नहीं चेंज होता है, मास सेम रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती ना करें। बहुत सारे लड़के एग्जाम निकलने के बाद में जब बाहर निकलते हैं तो फिर उनको लगता है कि 1/6 करना था, पर रियलिटी में जब मास का आता है क्वेश्चन तो उसको 1/6 नहीं करते, केवल जो वेट है केवल उसका ही 1/6 करते हैं, मास हमारा सेम रहता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप अगर तैयारी करेंगे, कोई बुक ज्यादातर रुक्मणी वगैरह को प्रेफर करें, और टॉपिक वाइज अगर आप उठाएंगे अलग अलग चैनल पे देखिए कि कौन सा टीचर ने किस टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़ाया है, उस टॉपिक को पढ़ें और हो सकता है तो नोट्स बनाएं। अदरवाइज आपका माइंड अच्छी तरह से पिकअप करता है तो आप थोरोली भी उसको कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल के ऊपर दोस्तों जरूर ध्यान दें, मैंने भी कुछ वीडियो बनाई हुई है उनको भी आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। नोट्स का तो मैं बताऊंगा दोस्त, आप नोट्स बना ही लें क्योंकि पेपर अभी बहुत दूर है, तो आपको बाद में रिवीजन करने का काम आएगा, और अभी आप नोट्स बना लोगे तो आपको उस समय नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगला टॉपिक है दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें दोस्तों नॉर्मल जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपको सब चीजें निकाल ले आनी चाहिए कि वी कौन सा है। अगर आप फॉर्मूला पुटअप करना जानते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि v क्या होता है, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक जो वो वेलोसिटी है वो क्या होती है, a क्या होता है, s क्या होता है, इनमें फॉर्मूला पुट करिए और आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है कि मान लीजिए कि कोई बस है वो 72 किलोमीटर की गति से चलती है, तो बताइए 5 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। ये क्वेश्चन भी मैंने जो प्रीवियस पेपर है वहीं से निकाला है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगला टॉपिक जो है वो है दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर एक आसान सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ दो तीन फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, और इसमें मेन दोस्तों पूछा जाता है इजी सा कि डिग्री सेंटीग्रेड को फारनाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फारनाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और केल्विन को वो कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो नॉर्मल इनके सा बीच में आप रिलेशंस को याद रख लें कि फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या रहता है, केल्विन और फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या रहता है, वहां से आप उसकी वैल्यू उसमें डालिए, दूसरा निकल जाएगा। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप अगर स्टडी करेंगे तो हर टॉपिक को उठा के करें, इतना ही है। अगला टॉपिक है दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो अपने साइंस का सबसे पहला ही टॉपिक है जिसमें हमें ओम्स लॉ पढ़ाते हैं। ओम्स लॉ हो गया, फिर रेजिस्टेंस का हो गया, रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ऐड करेंगे या फिर सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दोस्तों ये अपन ने पढ़ाई है 6, 7, 8 में यही पढ़ते आए हैं, तो जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो पूछ लेते हैं कि बताइए करंट की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड ये इसकी आ जाती है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बात बताइए कि अगर किसी जो वायर है कोई तार है उसकी अगर हम लंबाई को 2 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस जो कि प्रतिरोध है उसमें क्या बदलाव आएगा, तो उसका जो प्रतिरोध है दोस्तों डबल हो जाता है। उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो L/R, वहां पे आप डाल के सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन टॉपिक है वो है दोस्तों लीवर एंड सिंपल मशीन। तो ये इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते, इसका थ्योरी का पोर्शन आता है।
इसमें आपको फर्क आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे इसमें ए क्लास लीवर रहता है, बी क्लास लीवर रहता है, सी क्लास लीवर रहता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि ए क्लास लीवर कौन सा रहता है, बी क्लास कौन सा रहता है और सी क्लास कौन सा रहता है। आपसे पूछ लेंगे बताइए बर्फ उठाने का जो चिमटा है, जो प्लायर है और ये जो चीजें हैं, जैसे ठेला जो सामान ढालने का ठेला होता है उसको, वो किस प्रकार का, ए क्लास लीवर में आता है, बी क्लास लीवर में आता है, सी क्लास लीवर में आता है, इसको थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ लीजिए कि उसका एफर्ट आर्म किधर होता है, लोड आर्म किधर होता है, कौन ज्यादा लंबाई का होता है, इसमें ये रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप एक बार थोरोली इनका वो थोरोली पढ़ लीजिएगा। अब इसको थोरोली पूरा पढ़ लोगे तो आपका ये जो फॉर्मूला याद कर लोगे, थोरोली पढ़ लोगे तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों तीन जो टॉपिक हैं हमारे वो थ्योरेटिकल बेस्ड रहते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ और एनवायरमेंटल एजुकेशन और आईटी लिटरेसी। जो आपका ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी है उसमें दोस्तों बताया जाता है कि टाइप ऑफ फायर, आग किस किस प्रकार की होती है, उसके लिए कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ए बी सी डी, अगर बिजली की आग है तो कैसे बुझेगी, किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स, फोम एक्सटिंग्विशर है या सिंपल वाला है, इस तरह से पूछा जाएगा। और सिंबल्स, जो सेफ्टी सिंबल्स इस्तेमाल है, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं तो स्कूल का एक सिंबल दिया जाता है, बच्चा होता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशंस रखें, तो जो सिंबल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो पूछा जाता है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्वेश्चन थोड़े ही आते हैं पर पता होना जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से दोस्तों लड़ाई होती है हर, इससे मेरिट लिस्ट तो आपको पता है इसी से बनती है, तो इसमें पूछ लेंगे कि भाई बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा और चिपको आंदोलन कब चालू हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चन देंगे। और आईटी लिटरेसी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें पूछ लेंगे रैम और रोम में से कौन सा टेम्परेरी वो स्टोरेज है, और फुल फॉर्म पूछ लेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म, ओआरजी डॉट इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और कंप्यूटर का डाटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, और इंटरनेट की स्टार्टिंग कब हुई थी, किसने की थी। तो ये सारा जो था दोस्तों आज हमने इसके टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाई की है, जिसमें हमने बताया कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और आगे आने वाले समय में दोस्तों हर टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा और आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और दोस्तों ये जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं ये आपको वीडियो से लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको लास्ट में एक टॉपिक का पेज बना के और उसका फोटो ऐड कर देंगे, तो आप उसको पॉज करके और वहां से अपना ये स्क्रीनशॉट ले लेना और ये टॉपिक आप कवर कर लेना। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अभी से लग जाइए। और बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी दोस्तों जब भी आए, आने वाली है, क्योंकि हर 4 से 5 साल के बीच में वैकेंसी आई जाती है, तो या तो दिसंबर में, अदरवाइज मार्च और अप्रैल के अंदर वैकेंसी आ सकती है, पर उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब हमारी वैकेंसी निकली थी करीबन 63,000, तो करीबन 1.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एक वैकेंसी के लिए कितने बच्चों ने एफर्ट लगाया था, तो उसमें से सिलेक्शन कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इन टॉपिक्स का ध्यान दीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए, तो आपके साथ जरूर आप कमेंट्स में लिख दीजिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप करें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत दोस्तों।